नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। अगर कल की बात की जाए तो कल तक स्पष्ट नहीं था कि अखिलेश उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्नौज से, लेकिन कल शाम होते होते स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। आज अब अखिलेश ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इसके बाद अब कन्नौज की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो गई है। बीजेपी और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबला यहां पर दिखाई देगा और दोनों प्रत्याशी, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ है कन्नौज और गढ़ में अखिलेश यादव के नामांकन के बाद बताया जा रहा है कि जो आसपास के भी जिले हैं, जो खास तौर पर यादव परिवार का जहां पर वर्चस्व रहा है, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, इन सब पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसको लेकर जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के और जो कार्यकर्ता हैं बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन के वक्त की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। रामगोपाल यादव उनके साथ मौजूद रहे। कल रामगोपाल यादव ने ही स्पष्ट कर दिया था कि कन्नौज से अगर कोई उम्मीदवार होगा तो वो अखिलेश यादव होगा। आज जब नामांकन के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव तो उनके साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बीजेपी की बात की जाए तो सुब्रत पाठक यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सुब्रत पाठक का कहना है कि चाहे कुछ हो जाए, पहले अगर तेज प्रताप यादव यहां से उतरते तो बिल्कुल भारत नेपाल के मैच की तरह होता, लेकिन अब जब अखिलेश यादव मैदान में है तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। भारत पाकिस्तान से सुब्रत पाठक ने इसकी संज्ञा दी है कि अब देखना होगा कि भारत पाकिस्तान का यह मैच किस तरफ रुख करता है। उन्होंने साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी लगातार काम कर रही है, बहुत सारे उन्होंने मुद्दे गिनाए हैं। सोच के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मतलब किसी मुल्क से नहीं है बल्कि सोच से है और उसी सोच को हराने के लिए वो कन्नौज की सीट पर उतरे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के नामांकन की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक ने नामांकन किया है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुकाबला दिलचस्प हो गया है, कन्नौज की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी के गढ़ में अखिलेश ने अब चुनावी मैदान में अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक दिया है। दूसरी तरफ सुब्रत पाठक ने नामांकन किया है, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से इस बार चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगी, वो उन्हीं के गढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को हराने वाले हैं। तो दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये तो 4 जून के बाद ही पता चल पाएगा कि कन्नौज किसकी हुई। बातचीत करने के लिए लोकेश इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, अखिलेश यादव ने नामांकन भर दिया है, वो वहां से निकल गए हैं कलेक्ट्रेट से। जी आपको बता दें अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और नामांकन के बाद में अखिलेश यादव अभी यहाँ मीडिया से रूबरू होंगे, अपनी बात मीडिया से भी करेंगे। अभी फिलहाल अभी नामांकन की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में चल रही है जहाँ वो अपना नामांकन कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ यहाँ से निकल के कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया से बात करेंगे और मीडिया से बात करने के बाद में वो पार्टी कार्यालय रवाना होंगे जहाँ कई कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल, हमने देखा इससे पहले सुब्रत पाठक ने जब अपना नामांकन दाखिल किया लोकेश, तो उन्होंने कहा कि यहां पर जो पहले मैच होना था, अगर तेज प्रताप की तरफ से उन्होंने इशारा किया कि अगर वो वहां से उतरते तो बिल्कुल एक हल्की टीम होती, यानी भारत नेपाल से उस टीम की तुलना कर दी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मुकाबला दिलचस्प होगा, भारत पाकिस्तान के बीच जैसा मुकाबला होता है वैसे ही दिलचस्पी लोगों की इस मुकाबले में भी देखने को मिलेगी। यानी अपनी तरफ से बीजेपी भी पूरी तरह से ताल ठोकती दिखाई दे रही है, हालांकि कुछ देर में मीडिया से अखिलेश भी बात करेंगे तो वो भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन सुब्रत पाठक ने तो अपनी बात स्पष्ट कर दी। देखिए हाँ बिल्कुल, सुब्रत पाठक ने इस बात को कई बार कहा कि अगर अखिलेश यादव यहाँ से आते हैं तो मुकाबला जो है वो दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं पहले जिस तरीके से तेज प्रताप का नाम सामने आया, उसके बाद में फिर आपका क्या नाम है, अखिलेश यादव ने स्वयं अपना डिक्लेयर किया कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बात की जाए अगर अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव भी यहाँ से सन 2000 से उनका जो राजनीतिक करियर की शुरुआत है वो कन्नौज से ही उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। और बात की जाए अगर सुब्रत पाठक की तो सुब्रत पाठक भी यहाँ से 4 बार मतलब 4थी बार उन्होंने इस बार नामांकन किया है, 3 बार इससे पहले वो चुनाव लड़े जिसमें 2 चुनाव हारे हैं और 1 चुनाव जीते हैं। और बात अगर अखिलेश यादव की जाए तो जितने भी चुनाव अखिलेश यादव ने यहाँ से लड़े हैं वो सभी चुनाव जो है अखिलेश यादव ने कन्नौज से जीते हैं। इसी को लेकर आज अखिलेश यादव ने सुब्रत के आगे यहाँ पर्चा भरा है, लेकिन तैयारियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो तैयारी, बीजेपी की भी तैयारी पहले से चल रही है और समाजवादी पार्टी की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, तो दोनों पार्टियों की तैयारी है, दोनों अपने अपने तरीके से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है कन्नौज, इसलिए यहां पर
जो समाजवादी पार्टी है वो अपने आप को ज्यादा मजबूत पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इस वक्त अलाउद्दीन सीधे हमारे साथ कन्नौज से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अलाउद्दीन, हमने देखा कि सुब्रत पाठक ने अपना पर्चा दाखिल किया, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि किस तरह से वो जनता के बीच में जाएंगे, मुद्दे क्या होंगे और इस बार एसपी के अध्यक्ष को उन्हीं के गढ़ में हराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है, कुछ देर में बातचीत होगी, लेकिन यहां पर अगर इस गढ़ की बात की जाए तो बीजेपी के लिए गढ़ आसान नहीं होने वाला है। देखिए, कन्नौज के जो कलेक्ट्रेट है वहां पर नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल कर दिया है। ठीक में दाएं साइड में आप देखेंगे तो नामांकन पत्र यहां पर दाखिल किया जा रहा है। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है। अखिलेश यादव इसी गेट से अब से कुछ चंद मिनट के बाद बाहर आने वाले हैं और साथ ही यहां पर व्यवस्था की गई है कि अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत भी कर सके, उस बात की पूरी व्यवस्था की गई। जिस बात का जिक्र आप कर रही थी वो बदस्तूर एकदम दुरुस्त है कि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी अभी नामांकन करके गए हैं और अखिलेश यादव अब नामांकन के लिए बिल्कुल आए हैं। नामांकन का आखिरी दिन है। 2000 से लेकर के 2009 तक अखिलेश यादव ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले 1996 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2019 में जीती थी, डिंपल यादव जी चुनाव हारी थी। तो ऐसे में कुल मिलाकर के यहाँ का जो चुनाव है और बहुत ज्यादा रोमांचक हो गया है, क्योंकि इससे पहले लगातार इस बात को लेकर के तमाम तरह की कयासाराई लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। प्रताप यादव को यहाँ से घोषित भी कर दिया गया था, आखिरी वक्त पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र यहाँ दाखिल किया है। फिलहाल जो माहौल है जो है कन्नौज में वो भी अखिलेश यादव यहां से अपना प्रतिनिधित्व, अपने चुनावी जो उनका कैरियर है उसकी शुरुआत उन्होंने करी थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव यहां पर बेहद इंटरेस्टिंग और चुनाव बहुत रोमांचकारी होने वाला है, यानी चुनाव एक तरफा बिल्कुल नहीं जाने वाला है। हालांकि अभी प्रताप यादव का नाम पहले आया था, बहुत सारे नामों पर मंथन भी कन्नौज को लेकर हुआ, लेकिन खबरें ये आई कि अगर कन्नौज से अखिलेश नहीं खड़े होते हैं तो एक अच्छा संदेश भी नहीं जाएगा। और खास तौर पर मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, ये सब यादव परिवार का गढ़ रहा है, समाजवादी परिवार का गढ़ रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव का उतरना जरूरी है। और ये उनके नेता और कार्यकर्ता तो दोनों कहते रहे, अंत में समाजवादी पार्टी ने इस बात को शायद रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, इसका असर बाकी सीटों भी पड़ेगा और फिर अखिलेश यादव को मैदान में उतारा गया। जी हाँ, बिल्कुल बात आप दुरुस्त कह रही हैं। तेज प्रताप यादव का जब टिकट फाइनल हो जाता है तो कन्नौज की जो लोकल यूनिट है वो पूरी पहुंचती है, आसपास की यूनिटें पहुंचती हैं और उनको कहती है कि आपको चुनाव लड़ना होगा। और जो यादवपुरा गढ़ है जहां पर थर्ड फेज में इलेक्शन होना है, वहां पर हालात को अगर और ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त करना है तो चुनाव मैदान में हर हाल में आना होगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने फिलहाल फैसला जो किया है वो तमाम लोगों के कहने, कार्यकर्ताओं के दबाव और तमाम लोगों के राय मशवरे पर किया है। और चुनाव लड़ने की वजह से समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका मोराल भी परसों की तुलना में, जब तक वो कैंडिडेट नहीं थे, अब ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं कि इस तमाम चीजों का समाजवादी पार्टी को स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर फायदा होता हुआ, हालांकि चुनाव में कितना मिलेगा वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं में मोराल जरूर बूस्ट हो गया। आप देखें कलेक्ट्रेट में अभी भी कार्यकर्ता भारी तादाद में यहां पर आ गए हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव अब आकर के चेयर पर बैठ गए हैं और अब से कुछ देर बाद वो जो है मुखातिब भी होंगे मीडिया से। आप साफ तौर से देखें तो यहां पर जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी, तमाम लोग यहां पर खड़े हुए, तो यह माहौल देखने को नहीं मिलता अगर अखिलेश यादव यहां से कैंडिडेट नहीं होते। तो कुल मिलाकर के जो चुनावी समय है, चुनावी जो माहौल है, लोकतंत्र का जो पर्व है, वो और ज्यादा रोमांचकारी और शानदार होने वाला है, क्योंकि कन्नौज से चुनाव लड़ने का मतलब है कि आसपास की जो सीटें हैं जिसका जिक्र आप कर रही थी, यहां से लेकर बदायूं तक तमाम जगहों पर इसका असर जाएगा। और दूसरी अहम बात है कि उनके कार्यकर्ता बहुत सारे थे जो कि अपने घरों में किसी कारणों से बैठ गए थे, या वो फिर शिथिल थे, या फिर बहुत ज्यादा रोमांच उनमें नहीं था, बहुत तेजी से काम नहीं कर रहे, तो वो तमाम लोगों में नया मोराल बूस्ट होने का काम हो रहा है। तो माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जैसे ही वहां आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो कन्नौज का दफ्तर है वहां पर वो जाएंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर अखिलेश यादव लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, कुछ देर में वो मीडिया से बातचीत करेंगे, आप भी बात करेंगे उनसे और हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। लेकिन आखिर ये उहापोह की स्थिति कन्नौज को लेकर क्यों बनी रही, क्या वजह रही कि एकदम अंत में आकर अखिलेश यादव का नाम सामने आया, फिर आज उन्होंने नॉमिनेशन किया है, क्या उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी के नाम पर या मुलायम सिंह के नाम पर ये गढ़ निकल जाएगा, या फिर उनको लगा कि यहां से अगर कोई भी खड़ा हो, मतलब किस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के मन में थी कि लास्ट मोमेंट पे आकर अखिलेश का नाम फाइनल किया गया।
देखिए क्यों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुद अपनी सीट फाइनल करनी थी, तो इसमें बहुत सारे लोग कयास आराय यही लगा रहे हैं कि जब लोगों का प्रेशर बना तो शायद उनको ये बात लगी कि तमाम सीटों पर जा करके चुनाव प्रचार के अलावा कन्नौज को भी बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से संदेश चारों तरफ जाएगा। और एक बात बेहद अहम और खास ये हो जाती है कि जब लोग उनके पास पहुंचे तब तक उन्होंने तेज प्रताप को ही चुनाव लड़ाने का मन बनाया था, लेकिन एक तरफा नहीं बल्कि चौतरफा दबाव में अखिलेश यादव आए और इस बात को उन्होंने माना कि अगर चुनाव वहां से लड़ा जाता है तो ज्यादा चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। लोगों ने भी आश्वासन दिया कि आप यहां नामांकन के बाद तमाम लोग उनके इस जिम्मेदारी को यानी चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी को देख लेंगे और चुनाव प्रचार में अपना बिजी रहें। तो आप देखें कि जिस तरह से शिवपाल यादव से लेकर के तमाम नेता यानी उनके घर परिवार के लोग भी कहते रहे कि वो इलेक्शन में जरूर आए, और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने फिर मन बना लिया चुनाव लड़ने का, क्योंकि तेज प्रताप यादव की घोषणा के बाद उनके कागजात तैयार हो गए थे, उनके डॉक्यूमेंट तैयार हो गए थे, अचानक आने के पीछे भी तर्क माना जा रहा है।